फ्रेंड्स, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जी अगर इन केस कोई डिप्रेस होता है, कोई टेंशन में होता है, तो हमको उसकी प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैंने पहला जो फैक्टर बताया, ऑफ कोर्स पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि आइदर ये प्रॉब्लम जो है लॉन्ग टर्म है, क्लिनिकल है, या परमानेंट है, टेम्प्रेरी है। ऑफ कोर्स उसमें हमने फर्स्ट जो फैक्टर डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब इनकेस आपका कोई बहुत प्यारा डिप्रेस्ड होता है, और वो किसी रीज़न से भी हो, जैसा पहले बात हो चुकी है कि अगर इनकेस उसके किसी लव्ड वंस के साथ कोई मिसहैप हो गया है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स, कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं, लॉन्ग टर्म रीजन्स हैं, परमानेंट रीजन्स हैं, या टेम्प्रेरी रीजन्स हैं। बट हमने इसमें सबसे पहले जो डिस्कस किया था ऑफकोर्स वो था कि बी प्रेजेंस, जो मैंने काफ़ी डिटेल से उसको डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जी लिसन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप इनकेस में, मामा हमेशा एक बात कहती थी, मेरे डॉक्टर जो प्रोफेसर डॉक्टर नेमुल हमीद का मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करूँगी, कि वो एटलीस्ट हम लोगों में, हम लोग हंसते थे कि जी वो 3 घंटे का तो लेक्चर ही दे देते हैं। और ये पॉइंट ये था कि उनका लेक्चर सुन के ही ना बंदा आधा स्ट्रॉन्ग हो जाता था कि हाँ जी अपनी बीमारी को, एक तो एक्सेप्टेंस आ जाती थी, क्योंकि आप लिसन कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है, और आपने उसको टैकल कैसे करना है। दूसरा इस पर्सपेक्टिव में बात करूँगी, एक तो ये कि इन केस अगर आप किसी बीमारी में हैं, कोई प्रॉब्लम में है, और कोई आपको कुछ समझा रहा है, तो उसको सुने, वन पॉइंट। दूसरा एक और पर्सपेक्टिव यहाँ बताऊँगी कि जो मैंने अपनी मदर से और जो अक्सर हम ट्रेनिंग में भी बात करते हैं, लिसनिंग। इन केस अगर किसी के अंदर कोई बहुत प्रॉब्लम में है, कोई बहुत ट्रॉमा में है, कोई बहुत टेंशन में है, वट एवर काइंड ऑफ रीज़न, आइदर फॉर द परमानेंट प्रॉब्लम और लाइक टेम्प्रेरी, कि जो परमानेंट है या लॉन्ग टर्म है, ऑफकोर्स वो क्लिनिकल में जाएगा, लेकिन इन दोनों रीजन्स में सबसे मेन फैक्टर जो हमारे यहाँ पर आता है कि हम दूसरे को सुनते नहीं हैं। जब तक दूसरा जो प्रॉब्लम में होगा, जो तकलीफ में होगा, वो बोलेगा नहीं, वो अपना गुस्सा बाहर नहीं निकालेगा, ऑफकोर्स वो और ट्रबल में चला जाएगा। रीज़न ये आती है कि देखें, गुस्सा बर्दाश्त करते करते इंसान इस हद तक अपने आप को तकलीफ़ में पहुंचा देता है कि ऑफकोर्स कि वो या तो बीपी का पेशेंट, एस्मा का पेशेंट, और ऑफकोर्स आप उसके अंदर, वो कहते हैं ना कि एक तकलीफ का कुआं बन जाता है, और वो फाइनली फिर एक ब्लास्ट ही होता है। और इस चीज़ को हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर इनकेस कोई तकलीफ़ में है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको प्लीज़ बैठ के सुने। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो पर्सन किसी फर्दर तकलीफ से बच जाएगा। और मैंने अपनी मदर को ये ज़रूर देखा है, उनमें ये बहुत एक और अच्छी क्वालिटी कि लाइक वो लोगों को सुनती थी, यहाँ तक कि वो तो मेट्स को भी सुनती थी। अगर इनकेस वो किसी, कोई मेट कोई तकलीफ़ में है, कोई प्रॉब्लम में है, तो वो ना सिर्फ उसको सुनती थी, उसकी बात को पूरा तसल्ली से सुनना, और फिर उसको अच्छी से एडवाइस करना। ये बात मुझे बहुत कम लोगों में नज़र आई है कि नॉर्मली हम सिर्फ सुनते भी उन लोगों को हैं जिनसे हमें कोई मतलब होता है, और हम उनको नहीं सुनते कि जिनको सुनने वाला कोई भी नहीं होता। तो इस बात पे सोचना चाहिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और आप किसी की ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। इसमें जो हम थर्ड पॉइंट पर बात करेंगे, रियलाइज अनहैप्पीनेस कैन लीड टू पॉजिटिव चेंज, ये बहुत ट्रू फैक्टर है। देखा जाए जो पर्सन टेंशन में या डिप्रेशन में होते हैं, उसको आप विद एग्जाम्पल बता सकते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और डेफिनेटली ये सिर्फ किताबी बातें नहीं होती हैं, ऐसा रियल में होता है। अगर मैं देखूँ तो ऑफकोर्स भी वही चीज़ आती है कि हम अगर अपने पेरेंट्स को देखें, तो बहुत मुश्किलों से हमें पाला होता है, हमारी बहुत सारी तकलीफ़ें, बीमारियाँ, बट एक टाइम पे वो जब हमें एक अच्छी पोजीशन पे देखते हैं, तो ऑफकोर्स दे फील हैप्पी। क्योंकि अगेन एक चीज़ आती है कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे टफ टाइम गुजरते हैं, और उस टफ टाइम के बाद ही वो जो अगर सुकून लाइफ में आता है, या उस मुश्किल के बाद जो आसानी आती है, जो कम्फर्ट जोन आता है, तो वो एक मुश्किल के बाद ही आता है। अगर नॉर्मल हम ये कहें कि जी सब कुछ स्मूथली चलता रहे और कंफर्ट जोन रहे, तो वो तो लाइफ का कोई एक चार्म नहीं है। यहाँ पे जो हम डिप्रेशन की बात करें, कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, आपके फैमिली मेम्बर, आप उनको कैसे
उनके साथ आप लाइक क्या बिहेवियर कर सकते हैं, उनको कैसे कंपेंसेट कर सकते हैं। तो उसमें फोर्थ वन पॉइंट आता है वेंट टू फ्रेंड। बेसिकली आप देखें कि इंसान बहुत सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप अगर किसी से प्रॉब्लम अपनी डिस्कस कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, और वो अपने आप को पावरलेस और ख़ुद को बहुत मजलूम कंसीडर करे कि नहीं जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बेसिक पॉइंट क्या आता है कि आप किसी की प्रॉब्लम सुन लें, प्रॉपर वे से सुन लें। और ऑफकोर्स जब आप किसी की प्रॉब्लम सुनती हैं तो हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। एक और चीज़ जो आती है कि हमारे यहाँ पे हम जब जिससे प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं तो ऑफकोर्स अगर आगे से वो ही अपने आप को पावरलेस और बहुत अनहैप्पी कंसीडर करेगा और ये कंसीडर करवाए कि नहीं जी मेरे पास तो मैं तो खुद बहुत मसलों में घिरा हूँ, तो ऐसा ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है। बल्कि जो डिप्रेशन में जो एन्जाइटी में पर्सन होते हैं उसको चाहिए कि वो अपना गुस्सा, अपना मायूसी और अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर करें। क्योंकि रीज़न ये आती है जब हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एन्जाइटी, गुस्से को अंदर दबा के रखते हैं तो वो प्रॉब्लम करता है। तो इस चीज़ में हमें कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि, और हमेशा अपना प्रॉब्लम उस पर्सन, उस फ्रेंड के सामने शेयर करना चाहिए जो आपके प्रॉब्लम को सुन सके। मैं ये नहीं कहती कि रिजॉल्व कर दे उसको, उसका सलूशन निकाल दे, बट पॉइंट ये आता है कि उसको सुने प्रॉपर और उसको रिस्पेक्ट करें, ना कि डिसरिस्पेक्ट करें। फ्रेंड्स यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट आता है सेट बाउंड्रीज। बेसिकली जब जो डिप्रेशन में होता है, जो एन्जाइटी में होते हैं, तो ऑफकोर्स वो समटाइम अपनी प्रॉब्लम, अपने मसले उन पर्सन से भी डिस्कस कर देते हैं जो ट्रस्ट के बिल्कुल काबिल नहीं होता, जो बाद में उनको मिस ट्रस्ट करते हैं, उनको मिस यूज़ करते हैं। तो ऑफकोर्स जब हम अपनी प्रॉब्लम, जब हम अपनी टेंशन किसी से जिक्र कर रहे होते हैं, जिसको बता रहे होते हैं, तो हमें ये कन्फर्म होना चाहिए कि वो पर्सन इस पोजीशन में या इस काबिल है कि हम उस पर ट्रस्ट करें। क्योंकि बाद में अगर आप अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते, क्योंकि बेसिकली जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आप टेंशन में होते हैं, तो आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपकी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं। तो उस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि हम अपनी बाउंड्रीज को सेट रखें ताकि कोई उनको मिसयूज़ मत करें। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि बेसिकली हैप्पीनेस बेसिकली इनसाइड हमारे होती है, वो कोई फार्मूला नहीं होता, कोई सेट पैटर्न नहीं होता कि कोई हमें हैप्पीनेस ढूंढ के देगा। हमने खुद अपनी डिप्रेशन, अपनी एन्जाइटी में से ही हमने जो सब्र का पैमाना है, जो ये है कि ऑफ कोर्स मायूसी गुना है, तो ये चीज़ें हमें खुद अंडरस्टैंड करनी है और इन पे यकीन रखना है कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी, अगर वो वक़्त नहीं रहा तो ये वक़्त भी नहीं रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं डिस्कस करूँगी। बेसिकली जब कोई डिप्रेस होता है, जब कोई टेंशन में होता है, एन्जाइटी में होता है, तो हम जब उसको हेल्प आउट कर रहे थे तो हमें ये फैक्टर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ऑफकोर्स हर कोई अपनी खुशियों का, अपनी चीज़ों का जिम्मेदार खुद होता है, एंड नो मैटर हाउ मच यू लव समवन, बट अगेन आप उसको एक्सट्रीम फोर्सफुली उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को चेंज करे। एंड यू आर नेवर एवर रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन इमोशंस। बहुत क्लियर पॉइंट आता है कि अगर आपने डिफाइन कर लिया है कि उसने मूव फॉरवर्ड करना है, तो डेफिनेटली वो आपकी बात को सुनेगा, सुनेगी, और वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। इतनी एन्जाइटी, इतनी टेंशन, इतना प्रॉब्लम लेना है जिसको वो खुद ऑन कर सके, ना कि ये कि वो क्लिनिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए, जो कि बहुत डेंजरस होता है। और ऑफकोर्स आप खुद को ये स्पेस दें, खुद को टाइम दें, खुद को अंडरस्टैंड करें, अपना सेल्फ ऑडिट करें और ये अंडरस्टैंड करें कि क्या चीज़ आपको नाखुश करती है, क्या चीज़ आपको खुशी देती है। अगर हम देखें तो जो प्रोटेक्ट योर सेल्फ में सबसे मेन एक चीज़ जो ऊपर सेट बाउंड्रीज की बात भी हो रही थी, तो हमें अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करनी होती है, ताकि जैसे मैं एक दो जगह पे भी एग्जांपल दे चुकी हूँ, व्हेन आई वाज इन बैंक आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि बेसिकली
एचआर की सारी पॉलिसीज मैंने खुद अपने हाथ से लिखी। तो मेरे सीईओ ने मुझे पूछा कि नुसरत आप अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन से तंग नहीं आती हैं, आई मीन इतनी अपनी आपने लाइफ की बाउंड्रीज, अपनी लाइफ के अपने सेट पैटर्न्स रखे हुए हैं कि कोई लाइक आप उसमें कोई एक कहते ना कि कोई गैप नहीं है। तो मैंने बहुत क्लियरली उनको डिफाइन किया था कि सर बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं या जो जानवर होते हैं उनकी कोई बाउंड्रीज, उनकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, बट बीइंग ह्यूमन बीइंग अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, तो हमारी बाउंड्रीज डेफिनेटली होनी चाहिए। जितनी हमारी बाउंड्रीज आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रिक होंगी, बट जितनी फिक्स होंगी और जितनी हम ईजी प्रोसेसेबल नहीं होंगे, ऑफकोर्स हम उतना ही अपने आप को प्रोटेक्ट ईजिली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटेक्ट योर सेल्फ को मैं एक और पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूँगी कि सपोज लाइक अगर आप देखें समटाइम कुछ लोग होते हैं कि जो कहना चाहिए ना कि खुद भी जानबूझ के मुश्किल में पड़ते हैं, दूसरों को भी मुश्किल में डालते हैं। आप किसी को फोर्सफुली इस चीज़ पे मजबूर नहीं कर सकते कि वो लाइक आप उसको कंफर्ट करने के लिए, उसको खुशी देने के लिए आप खुद को कोई नुकसान पहुँचाएँ। और डेफिनेटली ऐसे लोग भी हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं जो खुद तो कंफर्ट जोन लेने के लिए दूसरों को मुश्किल में डाल देते हैं, दूसरों को तकलीफ़ में डाल देते हैं और दूसरों का ज़हनी और जिस्मानी जो सुकून होता है वो तबाह करके रख देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से भी अवॉइड करना है, हमें हेल्प उन लोगों की करनी है जो वाकई डिज़र्व करते हैं, जो वाकई किसी प्रॉब्लम किसी ट्रैवल में है, ना कि उन लोगों की कि जो कि क्योंकि आप देखिए आप सराउंडिंग में अपने अगर नोट करें तो बहुत सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली बात करते हुए शर्म भी आती है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसे पर्सनस हैं जो ड्रामों को रियल में अपने साथ अपनी लाइफ से कंसर्न कर रहे होते हैं। इंडियन ड्रामों की बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो बहुत अजीबोगरीब इंडियन ड्रामे देखते और वो हर वक्त अपने आप को उसी ट्रॉमा में उसी कंडीशन में रखते हैं। अगर आप उनको हेल्प आउट करेंगे तो ट्रस्ट में वो आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे, वो आपको आपके ज़हनी सुकून को ख़त्म करके रख देते हैं। तो आप ऐसे पर्सन्स की तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकते क्योंकि रीज़न उसने खुद चूज़ कर लिया कि उसने खुद हर वक्त रोना ही है, उसने हर वक्त अपने आप को मज़लूम ही शो करना है। तो ऐसे पर्सन्स की आप कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे लोग जो अनफॉर्चुनेटली किसी वाकई किसी मुश्किल में पड़ गए हैं, जो आपके बहुत प्यारे हैं, जो किसी तकलीफ़ में हैं, आप उनका साथ दे सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन दो डिफरेंस को हमें समझना चाहिए कि हमने प्रोटेक्शन किसी को देनी है तो किस वजह से देनी है और किसी गलत पर्सन को तो नहीं हम प्रोटेक्ट कर रहे, तो ये बात हमने ज़रूर नोट रखनी है। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का जिक्र करूँगी, डोंट निगलेक्ट योर ओन हैप्पीनेस। मोस्ट प्रॉब्ली हम देखते हैं कि हम अपनी हैप्पीनेस को सेल्फिश कंसिडर करते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें सराउंडिंग से भी ये मैसेज आता है कि कितना सेल्फिश बंदा है। अगर वो अपने काम से काम रखे, अपनी खुशी से मतलब रखे, किसी को वो अनहैप्पी नहीं कर रहा और वो किसी को तकलीफ़ भी नहीं दे रहा, यानी कि उसकी हैप्पीनेस से किसी की लाइफ में कोई नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं आ रहा, तो ये पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद जिए। आप जब खुश होते हैं तो ऑफकोर्स आपकी खुशी बहुत सारे लोगों पर पॉजिटिव इम्पेक्ट करती है। आप अपनी खुशी को, अपनी जॉय को आप शेयर करें, अपनी इमोशंस को फील करें, उन हैप्पीनेस को फील करें। और जो लोग देखें जैसे लाइक मामा मुझे हमेशा कहती थी अगर मैं कभी चुप हो जाना तो मुझे कहती थी मेरी मैना चुप क्यों है। आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको हमोश आपकी लाइक आपकी सैडनेस को फील करते हैं और वो खुद भी सैड हो जाते हैं। तो आप जब आप अपनी खुशी को इग्नोर कर रहे होते हैं, जब आप अपनी खुशी को एक साइड पर रख रहे होते हैं कि नहीं जी चलें ठीक है मैंने तो कुर्बानी का बकरा बनना है, तो इस चीज़ में ना सिर्फ आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे होते हैं बल्कि उन लोगों को भी तकलीफ़ दे रहे होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके अपने प्यारे होते हैं। तो हमें इस चीज़ में सोचना चाहिए कि हमारी खुशी में हम कोई सेल्फिश नहीं हो रहे होते, हम अपनी खुशी के साथ किसी और को भी खुशी दे रहे होते हैं। और कोई भी अपने प्यारे को जो जिससे वो प्यार करता है उसको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता, ये बहुत नेचुरल इम्पेक्ट है। और अगर इन केस वो किसी उनका कोई प्यारा कोई तकलीफ़ मुश्किल
मुसीबत में हो भी तो उसके साथ फुली कोऑपरेट करके उसको उस ट्रॉमा उस कंडीशन से बाहर निकालने की कोशिश करती है। और डेफिनेटली जिस पर्सन के साथ आप कोऑपरेट कर रहे हो, जिसको आप तकलीफ से, जिसको आप ट्रॉमा से, जिसको आप टेंशन से, डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए एफर्ट कर रहे हो कि वो आपको पे बैक ना कर रहा, आपको रिस्पॉन्स बैक ना कर रहा, तो थोड़ी सी टेंशन होती है और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। ऑफकोर्स आप खुद को ये परमिशन दें कि आई एम अ ब्लेस्ड वन पर्सन और अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह के हैं, तो डेफिनेटली जितनी मर्ज़ी मुश्किल हो, जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ हो, जितना मर्ज़ी डिप्रेशन हो, जब आप अल्हम्दुलिल्लाह का वर्ड कहते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और आपका बहुत सारा डिप्रेशन जो नेगेटिव डिप्रेशन होता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और इससे आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि जी हमें इन लेक्चर से क्या मिलता है, हमें क्या मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। एक चीज़ बहुत अहम पर्सपेक्टिव में आती है कि जब हम देखें सपोज लाइक अगर कोई इन केस ट्रॉमा में है, कोई बहुत नेगेटिव थॉट्स में, अगर इस चीज़ को सुन के किसी में अगर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, किसी में थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशंस का पर्सपेक्टिव आता है, तो ये उसके लिए मॉनेटरी बेनिफिट इस सेंस में है। आई एम नॉट सेइंग कि मॉनेटरी हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक इनर सेटिस्फेक्शन एज वेल। सो जस्ट थिंक अबाउट इट और आप खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, प्लस आप दूसरों की खुशी का बाइस बने। अगर इनकेस कोई आपके सराउंडिंग में टेंशन में है, परेशानी में है, तो इन पॉइंट्स में से सोचें कि क्या आप उसको अपनी प्रेजेंस शो करके उसको कम्फर्ट कर सकते हैं। आप उसको ये लेसन दे के खुश कर सकते हैं कि डोंट निगलेक्ट योर ओन हैप्पीनेस। आप उसके साथ क्या ऐसा क्या स्टेप करेंगे कि जिससे वो खुशी, वो अपनी डिप्रेशन को थोड़ा सा साइड पर रख के अपने मुतल्लिक सोचे, समझे और अपने आप को दुनिया का ब्लेस्ड पर्सन कंसीडर करें, रेदर देन ये कि वो अपने आप को एक रोता धोता मजलूम पर्सन कंसीडर करके हर कोई उस पर एक तर्स खाए, उसके साथ सेम्पथी वाला पार्ट रखे। देखिए अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, हमारे पेरेंट्स का जाना, हमारा जॉब में अप डाउन होना बहुत नेचुरल फैक्टर्स हैं। पेरेंट्स का जाना इस पॉइंट से मैं कहती हूँ कि वो एक उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, बट अगर आप हर वक्त किसी को रो के दिखाते रहेंगे, हर वक्त किसी को ये कहते रहेंगे हाय मेरे साथ ये हो गया, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉइंट रुलाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन सच में आपके आंसू पहुँचने वाला, आपके साथ आपको गले से लगा के रोने वाले नहीं हैं। क्योंकि बेसिकली कोई क्यों आपकी टेंशन लेगा, कोई क्यों आपके लिए दर्द लेगा। आप खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।